हेलो एवरीवन, दिस खांडो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम आए हैं लबरंग गांव में क्योंकि हमारे मासी का शादी है। तो आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं मेहंदी सेरेमनी। तो आपको दिखाती हूँ मैं हमारे यहाँ किन्नौर में मेहंदी सेरेमनी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो मेहंदी सेरेमनी हम इस रूम में सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूरा डेकोरेशन हो चुका है और ये रहा अनु, और यहाँ पर है हमारे जंगी की हीरोइन नंजीता, और यहाँ पे कैमरामैन को चाय पानी सर्व किया जा रहा है। तो अंदर बैठ के हम बहुत ही थक चुके थे, तो हमने सोचा बाहर बैल्कनी में चलते हैं, कोई भी नहीं होगा। तो हमें कुछ गेस्ट मिल गए बैल्कनी में, तो हमने उनके साथ बात किया और ये रहे हमारे कुछ गेस्ट। देखिए, हमारी ब्राइड, हाय बोलो। हाय हमारी मासी जी। और ये रही हमारी दूसरी मासी, मम्मी है मेरी मम्मी। हेयर स्टाइल बना रहे आज। यहाँ देखे नीता का ओटीडी। ओटीडी। तो ये रहा मेरा हेयर स्टाइल। आपका नाम क्या है? नाम बताओ। अभी मामा स्वागत होने वाला है, तो मामा के साथ गेस्ट भी आएंगे, तो उनके लिए हम यहाँ प्लेट में ड्राई फ्रूट्स और कुछ नमकीन रख रहे हैं। और हमने बाकी सारे रूम में रख लिया है, तो अभी सिर्फ यही रूम बचा है। वो यार जा, देखिए गाइस यहाँ बुखड़। यहाँ देखिए हमारी मासी, देखिए हमारे हीरो करवा। हेलो बोल, बड़े दिनों के बाद देखा। तो गाइस यहाँ देखिए हमारे आपी और आने बगले ने आलोग है। फोटो खींचो। मैं यहाँ वीडियोस बना रही थी, तो चमो आपी और आने मुझे फोटो खींचने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उनका ये फोटो खींच के दिया है। फाइनली इतना वेट करने के बाद 9 बजे दुल्हन के मामा पहुंच गए थे, तो हमने उन सभी का वेलकम किया। You।
मामा स्वागत हो चुका है, तो सभी गेस्ट भी अपने जगह में बैठ गए हैं, तो अभी हम उनको सर्व करेंगे चाय पानी। ब्राइड यहाँ पे अपने मामा और मामा के साथ जो भी गेस्ट आए हैं सभी का वेलकम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे वेलकम चिलगोजे के माला से किया जाता है। Yeah.
राइट एंड शी इज़ वेटिंग फॉर हल्दी सेरेमनी। तो कुछ ही मिनट के बाद हल्दी सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है, तो हम सभी वेट कर रहे हैं हल्दी सेरेमनी के लिए। और देखिए गाइस हमारे ब्राइड कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये हमारे ब्राइड के भैया और भाभी हैं और यहाँ सभी बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। हमारे ब्राइड के भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस दिन मेहंदी और हल्दी का सेरेमनी था तो उसी दिन हमारे ब्राइड के भाभी का भी बर्थडे था, तो उनको भी सरप्राइज दिया। तो हमारे लिए तो ये डबल सेलिब्रेशन था, तो हमने बहुत एंजॉय किया। हल्दी तो हो चुका, तो अभी मेहंदी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सभी आप मेहंदी के लिए अभी रेडी हो रहे हैं।